बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर भाजपा कोर कमेटी की शाम 6 बजे बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी रहेगी। 17 नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के नाम आज तय होने हैं। बेहद अहम और एक खास बैठक, 199 नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी आज की बैठक में मंथन किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है। आज अहम बैठक शाम 6 बजे 199 नगर पालिका और 17 नगर निगम पर चर्चा होगी। उम्मीदवारों के लिए मंथन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। 17 नगर निगम और 199 नगर पालिका पर मंथन आज इस अहम बैठक में। सीएम ने पहले ही कह दिया है, निर्देश कर दिया है कि बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है, क्योंकि ये तय है कि लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे 2024 के लिए काउंट किया जाएगा। यही वजह है कि एक एक सीट बेहद अहम। मुख्यमंत्री का आदेश है कि तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, नेता हैं, चेहरे हैं, हर मंत्री की ड्यूटी नगर निगमों में लगाई जाएगी। जनता के साथ संवाद होगा, संपर्क होगा और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है योगी सरकार ने। बहरहाल अहम बैठक शाम 6 बजे, कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। मेयर प्रत्याशी 17 नगर निगमों के और 199 नगर पालिका के अध्यक्षों के नाम पर ये महामंथन अहम बैठक जो शाम 6 बजे होनी है। दीपक पांडे हमारे सहयोगी इस समय लखनऊ से जुड़ गए हैं। दीपक, बेहद अहम बैठक शाम 6 बजे, क्या अपडेट्स आपके पास? चूंकि समय अब कम रह गया है, पहुंचने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका होगा जो तमाम माननीय हैं। जी बिल्कुल, बता दें आज 6 बजे योगी कोर कमेटी की बैठक रखी गई। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई। आपको बताते चले कि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये जो भाजपा कार्यालय पे आज ये बैठक बुलाई है, अपने आप में अहम और महत्वपूर्ण बैठक है। क्योंकि जिस तरह से बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगभग तय कर दी है, और वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी मंथन बैठक कर रही है और प्रदेश कार्यालय में आज मंथन बैठक भी बुलाई गई है। और साथ ही साथ बता दें इस बैठक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे, और साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दीपक, चूंकि पहले ही मुख्यमंत्री ये निर्देशित कर चुके हैं कि एक एक सीट बेहद अहम है और तमाम जो मंत्री हैं उनको भी जिम्मा सौंप दिया गया है जनसंपर्क करने के लिए, लोगों के बीच में रहने के लिए, ऐसे में ये तय है जो कि मेयर प्रत्याशी होंगे या फिर जो अध्यक्ष हैं नगर पालिकाओं के, वो ऐसे चेहरे होंगे जो कि जनता के बीच में रह चुके हों, उनके बीच में कामकाज कर चुके हों। बता दे जिस तरह से आपने बात की, अगर प्रत्याशी होगी तो प्रत्याशी वही उतारे जाएंगे जो जनता के सेवक है, जो जनता के बीच रहते हैं, जनता के कामों का ध्यान रखते हैं, जनता के समय के साथ खड़े होते हैं। तो आज बीजेपी की जो बैठक बुलाई गई है, इन सभी नीतियों पर बात की जाएगी। क्योंकि बात करें अगर जो प्रत्याशियों की घोषणा होगी, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि ऐसे प्रत्याशी उतारे जाएं जिससे कि भाजपा को बड़ी बहुमत मिल सके। और आपको बताते चले कि जो संगठन का कार्य होता है बीजेपी में, वो हर तरीके से उनका जमीनी सर्वे किया जाता है, जमीनी सर्वे के माध्यम से जाना जाता है कि आखिर इस नेता की जनता में क्या पकड़ है, क्या खाक है और किस तरह से जनता इसको समझती है। तो इसी को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई। बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं जो 199 जिला पंचायत अध्यक्षों की बात कर, नगर पंचायत अध्यक्षों की बात करें या 17 मेयर के महापौरों की बात करें, तो उसकी भी आज घोषणा हो सकती है। और साथ ही साथ बता दें जिस तरह से सभी विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवारों के पत्ते खोल दिए, अभी बीजेपी के उम्मीदवारों का पत्ता खुलना बाकी है, किस्मत का भाग बाकी है। तो कहीं ना कहीं आज ये जो बैठक बुलाई गई है, देर शाम तक लगभग प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो सकती है। मिशन 2024 के लिए नगर निगम जीतना बेहद जरूरी है भाजपा के लिए, क्योंकि लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे माना जा रहा है।
जी बिल्कुल बता दें, 2024 से पहले ये बड़ा सेमीफाइनल कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि बात करें अगर नगर निकाय चुनाव की तो आने वाले समय में इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक बड़ा संख्या बल बाहुबल प्रदेश है और बड़ी संख्या में यहाँ से वोटर्स आते हैं और बड़ी संख्या में लगभग 80 लोकसभा सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी का ये मंथन होगा कि लगभग अगर बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो वो 80 में 80 सीटों का जीतने का दावा करते हैं, लेकिन वही बात करें जनता की तो जनता भी चाहती है कि 2024 में मोदी की सरकार हो, तो इसी को लेकर जो आज नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका और बैठक बुलाई गई है, तो इस बैठक में जो आज प्रत्याशियों के निर्णय होंगे वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए अहम और महत्वपूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही ये भी बता दीजिए दीपक कि क्या कुछ सुगबुगाहट है, क्या नाम रिपीट हो सकते हैं या फिर नए चेहरे ही होंगे? जी अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ के मेयर की तो नाम तो बदला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बात करें आरक्षण के बाद सीटें बदली गई हैं, तो जो आज बदलाव होंगे कहीं ना कहीं पुराने प्रत्याशियों का नाम काटा जाएगा, नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा जो जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जो जनता के दिन रात सुख दुख के साथ खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कार्य है, बीजेपी का कहना है कि हमारे संगठन के लोग तैयार करने वाली संगठन में जो योजनाएं होती हैं या योजनाएं बद्ध की जाती हैं तो उन्हीं के आधार पर टिकट दिया जाएगा, जमीनी सर्वे कराया जाता है और उसके बाद क्षेत्र की जनता द्वारा भी सर्वे कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर जो प्रत्याशियों के नाम होंगे, प्रत्याशियों के जो चिन्ह होंगे, जो प्रत्याशियों को बीजेपी उतारेगी उनको पूरी तरह से ठोक बजाकर पीट कर तब कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी उतारे जाते हैं उसके बाद ही बीजेपी अपनी घोषणा कर सकती है और अपने पत्ते खोलते हुए दिखाई देगी। दीपक चूंकि अभी भी निगम में बीजेपी ही है, ग्राउंड लेवल पर क्या क्या स्थिति है इस समय, जनता के बीच में क्या मत है, जो काम है नगर निगम की उसको करने में कितनी सफलता मिली है भाजपा को, और जो विपक्ष में समाजवादी पार्टी है नगर निगम में भी, अब उसके बारे में क्या क्या राय है लोगों के बीच में? देखिए पूजा अगर बात की जाए शहरी इलाकों में तो बीजेपी आज शहर में कहीं गुना आगे है, लेकिन वही बात करें पिछले कुछ वर्षों की तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबके मिले वोट बैंक होते हैं, लेकिन अब आज वैसा पल नहीं है, क्योंकि अब जो माहौल है, जो राजनीति है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जो जातिगत राजनीति होती थी आज वो राजनीति बदल चुकी है, और जिस तरह से आज प्रदेश में राजनीति हो रही है तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है तो अब बीजेपी की ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पकड़ है, चाहे वो बात करें जिस तरह से बीजेपी का जो संगठन कार्य कर रहा है या जो बीजेपी ने अभियान चलाया मेरा परिवार भाजपा का परिवार, जिस तरह से और तमाम प्रदेश में चाहे देश में जो अभियान चलाया, तो इससे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सोशल मीडिया या आईटी सेक्टर के माध्यम से जो बीजेपी की पकड़ बनी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद और प्रत्याशियों की घोषणा होती हुई दिखाई दे रही और कोर कमेटी की बैठक चल रही, तो कहीं ना कहीं जो नाम होंगे ये कोई जनता द्वारा या जनता के बीच रहने वाले लोगों के ही नाम हो सकते हैं। और ये तय है दीपक, चूंकि अब 2024 में ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में एक एक दिन बेहद अहम है भाजपा के लिए, चूंकि हम जानते हैं कि 24/7 पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है बीजेपी, ऐसे में बिना समय गवाए एक पल भी गवाए वो ग्राउंड पर है और जनता के बीच में तमाम मुद्दों को उठाते हुए अपनी योजनाएं किस तरह से पहुंचानी है कहनी है, ये भी सीएम ने साफ निर्देश दिया है तमाम प्रभारियों को। बिल्कुल बता दे पूजा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो परियोजनाएं हैं, सरकार के माध्यम से जो लोगों तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है या सरकार के माध्यम से जो लोग लाभान्वित हुए हैं, जो लोग पुरस्कृत हुए हैं या जो लोग सरकार की तरफ से उनको फायदा मिला है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर और खास तौर पर चाहते हैं कि अपनी बात जनता तक पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाएं, अगर जन जन तक बात जाएगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नगर निकाय चुनाव पर और नगर पंचायत चुनाव पर कहीं ना कहीं बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया आपका दीपक पांडे इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अहम बैठक 6 बजे, अपडेट सबसे पहले नेटवर्क के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे।